मेघालय यानी मेघ प्लस आलया। आलय का मतलब आलिया भट्ट नहीं, पर आलिया इट मीन्स अबोड ऑफ क्लाउड्स। मैं मेघालय कुछ टाइम पहले अपने दोस्तों के साथ गया था एंड आई कैन अश्योर यू दैट इट्स वन ऑफ दोस प्लेसेस जहाँ जाना बनता है। हम वहाँ चार दोस्त गए थे एक वीक की रोड ट्रिप के लिए और मैं वही आइटनरी तुम्हें बताऊंगा जो हमने ली थी, बस थोड़ी सी मॉडिफाई करूंगा ताकि तुम्हारे लिए और बेटर हो जाए। एंड इस एक वीक के आइटनरी में मैं ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड करूंगा जो पहली बार मेघालय जाओ तो देखना बनता है। एंड लास्ट में एक ऐसी टिप है जो यूजुअली तुम्हें सारे ट्रैवल ब्लॉग्स और ट्रैवल ब्लॉग्स पर नहीं मिलेगी, वो ऑब्वियस जगह है तुम्हारे लिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट दैट क्रेजी प्लेस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जर्नी की शुरुआत आइदर हम शिलोंग से करेंगे विच इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय, या फिर गुवाहाटी से करेंगे जो आसाम में आता है। अगर तुम ट्रेन से आ रहे हो मेघालय तो तुम्हें गुवाहाटी आना पड़ेगा क्योंकि शिलोंग में ट्रेन आएगी नहीं कहीं से डायरेक्टली, एंड गुवाहाटी इज नोन एज द गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट। और अगर तुम फ्लाइट से आ रहे हो तो तुम गुवाहाटी भी आ सकते हो, तुम शिलोंग भी आ सकते हो, बट आइट से शिलोंग आना थोड़ा महंगा पड़ेगा टिकट, बट डायरेक्टली शिलोंग पहुंच जाओ। नाउ फर्स्ट डे इज अबाउट सारी ट्रिप का जुगाड़ बैठाने का एंड थोड़ा बहुत शिलोंग एक्सप्लोर करने का। नाउ शिलोंग में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सुंदर कुछ ऐसा देखने को नहीं है, बट एक वो सिटी है उसकी वाइब बहुत अच्छी है। मतलब मैं वहाँ था तो वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था कि यार कुछ बात थी उस शहर में। तो तुम पहले दिन शिलोंग पहुंचोगे, वहाँ पे तुम अपना ट्रांसपोर्टेशन का देखना। मान लो तुम्हें वहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि बस बस से ट्रैवल करना है, या तुम्हें टैक्सी हायर करनी है ड्राइवर के साथ, या तुम सेल्फ ड्रिवन कार और बाइक भी ले सकते हो। हमने सेल्फ ड्रिवन कार ली थी, हम चार दोस्त थे, हमने वहाँ से कार ले ली थी। एंड अगर तुम गुवाहाटी आए हो तो तुम गुवाहाटी से भी ये सब जुगाड़ करके वहाँ से निकल सकते हो सीधा शिलोंग। सो शिलोंग में तुम्हें क्या क्या देखना है? शिलोंग में एक कैथीड्रल चर्च है, तुम वो देख सकते हो। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड उमियाम लेक जो शिलोंग से थोड़ी सी पहले है, तुम वहाँ भी जा सकते हो और वहाँ लेक पे चिल कर सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक और वहाँ पे थोड़े स्पोर्ट्स भी होते हैं, हमने नहीं करे थे, बट तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। वहाँ पे एक मार्केट है जो सेंट्रल मार्केट है आई थिंक, उसका नाम है पुलिस बाजार। वहाँ जरूर जाना, वहाँ रात को बहुत सही माहौल होता है, मतलब वहाँ की भाई बहुत सही थी। और वहाँ का जो स्ट्रीट फूड था, अगर स्पेशली अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो वहाँ तुम्हें बहुत सस्ते में बहुत टेस्टी सी फूड मिल सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ कैफेज इन शिलोंग, सो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स से तुमने एक सेल्फ ड्रिवन कार ले ली जो हमने ली थी, तो नेक्स्ट डे तुम्हारा होगा कोंगथोंग विलेज का। नाउ कोंगथोंग इज अ वेरी स्मॉल विलेज स्टक नियर चेरापूंजी इन मेघालय। चेरापूंजी से थोड़ा पहले एक डिटूर लेना पड़ता है, वहाँ पे कोंगथोंग पड़ता है शिलोंग और मेघालय के बीच में। एंड मैं वहाँ पे क्यों गया था, क्योंकि वहाँ का एक कल्चर है जो काफ़ी अलग है, एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी अलग है। तो कोंगथोंग इज ऑल्सो नोन एज द विस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया एंड वाई। सो हाउ डू आई विसल फॉर योर नेम? सो वहाँ के कल्चर में क्या है, व्हेनेवर अ बेबी इज बॉर्न सो इनकी मदर उन्हें एक ट्यून देती है, लाइक कुछ भी ऐसे ट्यून हो सकती है, और लोग यूजुअली वो उस मतलब नाम की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ लोग वो देखने जाते हैं। नाउ कोंगथोंग में ऐसे कोई स्पॉट नहीं है कि हाँ जाओ ये देखो, ये वाटरफॉल देखो या वो वाटरफॉल देखो, बट कोंगथोंग इज ऑल अबाउट पीपल। सो अगर तुम्हें कोंगथोंग जाना है, आई वुड सजेस्ट कि तुम वहाँ रहो और वहाँ रुक जाओ एक दिन के लिए, जाओ कि तुम मान लो दोपहर को वहाँ पहुँच गए, शाम को वहाँ आ रहे, रात को लोगों से बातें करी, उनके साथ चिल किया और वहाँ रुक गए, अपनी भी कोई नाम की ट्यून लेके आ जाना। नाउ डे थ्री हम सुबह सुबह कोंगथोंग से निकलेंगे एंड डे थ्री को हम जा रहे हैं चेरापूंजी। बट चेरापूंजी से पहले रास्ते में एक जगह आएगी विच इज़ नोन एज मोटाव डेम्पेप वैली। वो मैं यहाँ रुकने को क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की सबसे अच्छी जिप लाइनिंग स्पॉट है। अगर तुम्हें जिप लाइन करनी है तो वहाँ एक बहुत बड़ी वैली है, वहाँ तुम जिप लाइन कर सकते हो। वहाँ और भी स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वो कर सकते हो। और हमने क्या किया था, वहाँ पे एक दो छोटे मोटे वाटरफॉल्स थे और छोटी मोटी हाइक्स थी, हम वहाँ चले गए थे जो तुम्हें आराम से मिल जाएंगी थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो। फिर वहाँ पे थोड़ी देर चिल करने के बाद यू कैन गो टू चेरापूंजी विच इज़ वन ऑफ द बेटेस्ट लैंड्स इन इंडिया। मतलब हम जब थे वहाँ था, हल्की हल्की बारिश तो होती ही रहती थी जो कि बहुत ही प्लेजेंट था, और हम अप्रैल में गए थे, लास्ट अप्रैल में गए थे, और छोटी मोटी बारिश होती रहती थी, और बहुत प्लेजेंट था वो माहौल, बहुत सुंदर। अब तुम वहाँ पहुँचे हो तो तुम्हें शाम हो जाए, आई थिंक लेट दोपहर या शाम हो जाएगी अगर तुम मोटाव डेम्पे वैली करके आ रहे हो तो वहाँ पे तुम अपना होटल वगैरह अरेंज करना। मैं इस होटल में रुका था, काफ़ी सही होटल था और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, स्पेशली अगर तुम्हें नॉन वेज पसंद है। इस दिन तुम सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स देख सकते हो। तो चेरापूंजी जो है ना, मान लो एक वो सेंटर है, उसके आसपास ना बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, मतलब मेघालय में वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं। तो कुछ कुछ फेमस वाटरफॉल्स हैं जो मैं बताऊंगा, जहाँ अच्छा जहाँ जाना बनता है, कुछ कुछ के तुम अंदर जा सकते हो, कुछ कुछ को दूर से देखना पड़ता है। एंड सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स इज़ वन ऑफ दोज वाटरफॉल्स जिसे तुम दूर से निहारोगे, अच्छा स्पॉट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से सात लहरें बह रही होंगी, नॉट लहरें, सात वाटरफॉल्स बह रहे होंगे छोटे छोटे, वो देख के चिल करो। नेक्स्ट डे यू हैव टू गो टू डबल डेकर रूट ब्रिज इन मेघालय। सो वाई इज दिस प्लेस सो फेमस? वो एकदम मेघालय के जो प्रॉपर जंगल्स हैं उनके बीच में हाइक है, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और वहाँ जब तुम पहुँचोगे तो छोटे मोटे वाटरफॉल्स हैं, नहाने का एरिया है। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम वहाँ पानी ज़्यादा नहीं था, बिकॉज हम एकदम गर्मी की स्टार्टिंग में गए थे। तो वहाँ मेनली एक रूट से एक ब्रिज बना हुआ है, ट्री की रूट से, और वो बहुत मतलब सुंदर लगता है देखने में। लोग वहाँ सब फोटोज खिंचाते हैं, वहाँ जाना ठीक है, वहाँ चल करना। बट एक और टिप, सब लोग ना वहाँ होके आ जाते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज पे। डबल डेकर रूट ब्रिज में ही वो जो जंगल वाला एरिया है उसमें ही एक और रास्ता है, सिंगल रूट ब्रिज है वहाँ, और एक रेनबो वाटरफॉल्स है।
रेनबो वाटरफॉल पर जरूर जाना, हम नहीं गए थे वहाँ पे बट मुझे बाद में मजा आता है, और वहाँ पे एकदम तुम जाओगे तो क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी मिलेगा, वहाँ तुम नहा सकते हो, चिल कर सकते हो। तो ये दिन तुम्हारा थोड़ा काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, अच्छी खासी हाइक है, 1.5 घंटे जाना, फिर 1.5 घंटे और वहाँ से जाना, फिर 1.5 घंटे ऊपर आना, थक जाओगे। तो रात को जब आओगे तो बस चेरापूंजी का एक मार्केट है वो एक्सप्लोर करना। अगेन वहाँ का नॉनवेज फूड भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बढ़िया पोक कटलेट्स, बीफ कटलेट्स और ये सब मिलता है, बहुत सही खाना मिलेगा अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो। नाउ फिफ्थ डे, अगर तुमने मेघालय के बारे में अच्छे से अभी थोड़ी रिसर्च करी है पहले, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है, तो तुम्हें पता होगा कि डाउ की बहुत फेमस जगह है जहाँ पे वो क्लीनेस्ट रिवर है, राइट, विच इज़ कॉल्ड उमगोट रिवर, विच इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स इन इंडिया। अभी हमें डाउ की जाना है पर हम डाउ की में स्टे नहीं करेंगे। हियर्स माई प्लान, तुम सुबह सुबह चेरापूंजी से निकलो, अर्ली मॉर्निंग चेरापूंजी से निकलो और तुम मॉलिनोंग होते हुए डॉक भी जाओ। नाउ मॉलिनोंग इज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, मतलब तुम उस विलेज में एंटर करोगे और तुम देखोगे कि वहाँ बस पेड़ और पौधे और सुंदर सुंदर फ्लावर्स और एक कूड़ा नहीं है वहाँ, एक कूड़ा नहीं है इंडिया में, मतलब वो ऐसी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब वहाँ हम लंच करने गए थे, तो तुम जाओ, तुम भी उसे ले जाओ, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डेज है तो तुम वहाँ रुक सकते हो, वहाँ के होम स्टेज बहुत अच्छे थे, वहाँ जाओ, वहाँ लंच करो। बहुत छोटा विलेज है, बहुत छोटा विलेज है, तुम 1-2 घंटे में वो पूरा आराम से घूम लोगे, उसे जो मेन घूमने का पार्ट है वहाँ पे। और फिर मॉलिनोंग से तुम निकल के जाओ डाउकी की साइड, बट हमें डाउकी नहीं रोना, डाउकी के आगे एक विलेज है जिसका नाम है स्नोंग पिडांग। नाउ मेनली यूजुअली जब लोग वहाँ जाते हैं तो डाउकी रुकते हैं, डाउकी में बहुत सारे कैंप्स है वहाँ रुकते हैं, बट डाउकी बहुत क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं। स्नोंग पिडांग थोड़ा सा ऑफबीट है उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा सुंदर है। तो तुम स्नोंग पिडांग जाओगे, वहाँ पे भी वही रिवर है, तो तुम वहाँ जाओ, स्नोंग पिडांग पहुँचो, आज बोटिंग मत करो वहाँ पे, वहाँ पे और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, अगर तुम्हें क्लिफ जंपिंग करनी है वो कर सकते हो, वहाँ पे कैंप में रुकना अगर मौसम सही हो। हमने एक्चुअली कैंप ही लिया था वहाँ पे, बट रात को रेनस्टॉर्म आ गया था थोड़ा, कैंप उड़ने को तैयार हो गया था, तो हमें फिर होम स्टे लेना पड़ा था, बट अगर तुम्हारे टाइम में मौसम सही हो तो तुम रिवर साइड कैंप पे रुकना। डे 6, आज सुबह सुबह तुम उठे, बोटिंग करी, बहुत सुंदर होगा वो बोटिंग एक्सपीरियंस। मैं जिस टाइम गया था उस टाइम ना बारिश के पहले शावर निकले थे, मतलब पहली बारिश हुई थी उस सीज़न की, तो जितनी गंदगी थी ना वो सारी आ गई थी, तो रिवर एक्चुअली क्लीन नहीं थी, जितना वो दिखाते हैं ना फोटोज़ में ब्लू और ग्रीन एकदम वैसे दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी गंदी थी, बट वो बोटिंग एक्सपीरियंस फिर भी काफ़ी अच्छा था। एंड यहाँ से चिल करके, बोटिंग करके हम निकल जाएंगे क्रांगसुरी वाटरफॉल्स की साइड पे। तो अगर तुम्हारी किस्मत सही हुई और अगर तुम सही टाइम पे गए और तुम क्रांगसुरी वाटरफॉल्स गए हो तो वो भी तुम्हें क्रिस्टल क्लियर ब्लू या ग्रीन पानी के मिक्सचर में ही मिलेगा, और वो बहुत सही वाटरफॉल है, और वहाँ की हाइक ज़्यादा हैवी नहीं, 10 मिनट की। बट क्रांगसुरी वाटरफॉल से ना बेटर वाटरफॉल एक मैंने वहाँ देखा था, जो कि कोई भी उस वाटरफॉल के बारे में कोई बात ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है, वो बाई चांस हमें दिख गया था। तो हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्रांगसुरी वाटरफॉल्स गए तो हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि यार हमें गोट रिवर भी अच्छी नहीं मिली, हमें क्रांगसुरी वाटरफॉल भी अच्छा नहीं मिला, और हम वापस जा रहे थे वहाँ से, हमें जाना था पोबितोरा जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और रास्ते में ना हमें दूर एक वाटरफॉल दिखा छोटा सा, हमने देखा चल वहाँ जाके देखते हैं क्या है, और हमारा नहाने का बहुत मन था तो हमने वहाँ जाके देखा, और वहाँ जाते जाते शाम को हम पहुँच गए दिस प्लेस विच आई लाइक टू कॉल द सीक्रेट वाटरफॉल। यहाँ पहुँचे तो यहाँ पानी साफ, नहाने का इतना बढ़िया एरिया था, तो हमने यहाँ पर डुबकियाँ मारी। ये बहुत सही स्पॉट है अगर तुम्हें डुबकी मारने का शौक है, तो बहुत सही स्पॉट है यहाँ रुकना, 4-5 दोस्त हो गए सब रुकना, चिल करना, शाम के टाइम सनसेट के टाइम पहुँचना यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे ना पूरी ओपन फील्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि एकदम स्कॉटलैंड में आ गए, मतलब मैं कभी स्कॉटलैंड गया नहीं हूँ बट मैंने स्कॉटलैंड की फोटोज और वीडियोस बहुत देखी है, तो एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, हमने इतनी सही चिलिंग करी थी, वो बहुत ही सुंदर स्पॉट था। और अब तुम्हें रात को जाना है पोबितोरा, और अगर तुम पोबितोरा नहीं पहुँच पाओगे रात को, अगर लेट हो रहे हो, तो शिलोंग रुक जाना। कल है डे 7 एंड अब उस जगह की बात कर रहा हूँ जो यूजुअली लोग नहीं बताते। आसाम इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आबादी वन हॉर्न राइनोस की है वो आसाम में है। आसाम में कौन सा पार्क है जो सबसे ज़्यादा फेमस है इन वन हॉर्न राइनोस के लिए? काजीरंगा पार्क। बट काजीरंगा पार्क बहुत बड़ा है और वहाँ की जो सफारी है ना, वहाँ पे इजीली राइनोस दिखते नहीं है, बट वहाँ के पास एक और पार्क है जहाँ पे तुम्हें बहुत इजीली राइनोस दिख सकते हैं, और उसका नाम है पोबितोरा। डे 6 की रात को तुम शिलोंग या फिर गुवाहाटी स्टे करो, और डे 7 को अर्ली मॉर्निंग पोबितोरा निकल लो। तो हमने वहाँ पे, तुम जीप सफारी भी होती है, वहाँ पे एलिफेंट सफारी भी होती है, तो हमने एलिफेंट सफारी करी। एलिफेंट सफारी हम जब कर रहे थे, तो हम मस्त हाथी पे बैठे थे, तो हमारे राइनोस यहाँ चल रहे थे वे एकदम नीचे, तो बढ़िया जगह है पोबितोरा। तो सुबह जाओ हाथी पे बैठो, अगर तुम्हें सफारी वगैरह शौक है, मस्त बैठो, राइनोस को देखो, चिल कर रहे होंगे सब तुम्हारे यहाँ से जा रहे होंगे, ठीक है। नाउ डे 7 हमारा आखिरी डे, हम तुमने सुबह या शाम को जिस भी टाइम तुमने सफारी करी वो करो, और रात को तुम पहुँच जाओ गुवाहाटी। गुवाहाटी में अच्छे खासे कैफेज़ हैं, क्लब्स हैं, तुम्हें पार्टी करनी है पार्टी करो, थोड़ा चिल करो गुवाहाटी में, और फिर नेक्स्ट डे तुम वापस चले जाओगे। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस आइटनरी को एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, मतलब कुछ कुछ जगह हैं जो हर इंसान के लिए नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल कोंगथोंग विलेज, ऐसे कल्चर वगैरह का लोगों को कल्चर वगैरह का देखने का शौक नहीं है, मुझे है, तो यू कैन स्किप कोंगथोंग विलेज. तुम अपने हिसाब से आइटनरी एडिट कर सकते हो, बट मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो स्किप बिल्कुल मत करना बिल्कुल भी. जैसे स्नोंग बिडांग विलेज में रुकना, मोलेनोंग में एक मील के लिए रुकना, वो विलेज देखो यार. पोबितोरा में सफारी के लिए जाना, एंड वो जो सीक्रेट वाटरफॉल था ना जो मिला था, वो स्कॉटलैंड, मिनी स्कॉटलैंड, मिनी पैराडाइज ऑफ मेघालय, वहाँ ज़रूर जाना भाई. वहाँ कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें, वहाँ सिर्फ तुम होगे. ये वीडियो वायरल कर दो तो और लोग मिल सकते हैं, या भीड़ नहीं चाहिए तो मत करो वायरल. नहीं नहीं करो वायरल, करो करो करो. बट अब मैं वाटरफॉल्स का बताता हूँ. जैसे मैंने बताया था कि मेघालय में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, जो सबसे फेमस है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स है और क्रांगसरी वाटरफॉल्स है, बट मैं दो तीन वाटरफॉल्स और बता सकता हूँ तुम्हें, जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है या फिर तुम्हें इस आइटनरी को एडिट करना है. फॉर एग्जाम्पल वे सडोंग वाटरफॉल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स इन मेघालय. तुम वहाँ जाना, वहाँ अंदर जा सकते हो, नहा सकते हो. आई थिंक आधे एक घंटे की हाइक है वहाँ की, तुम वहाँ ज़रूर जाना वे सडोंग वाटरफॉल्स अगर टाइम है या फिर आइटनरी एडिट करनी है तो. एक वाटरफॉल है, इसका नाम है फीफी वाटरफॉल्स, नॉट फीफी आइलैंड थाईलैंड वाला वो नहीं, फीफी वाटरफॉल्स, वहाँ पे भी जा सकते हो. एंड देयर इज वाटरफॉल कॉल्ड नोहा कालीकाई वाटरफॉल्स, वो एक है वहाँ, तुम अंदर नहाने नहीं जा सकते बट वो दूर से देख सकते हो, वो चेरापूंजी के पास है. और सीजन की बात करें कि किस सीजन में जाना परफेक्ट है, तो एवरी सीजन हैज इट्स ओन चार्म. अगर तुम्हें एकदम हैवी वाटरफॉल्स देखने हैं कि तुम्हें दूर से देख रहे हैं कि भाई क्या इतना दूर वाटरफॉल बह रहा है, वो पानी का प्रेशर खाता उड़ के आ रहा है, मतलब तो मानसून सीजन जाओ. मतलब उस टाइम जो ग्रीन होता है ना, जो मेघालय का ग्रीन वाला पार्ट है, वो अलग ही चमक रहा होगा. मॉनसून सीजन में वो ग्रीनरी अलग ही जाती है सुंदर. बट अगर तुम्हें एकदम क्लीनेस्ट रिवर चाहिए, एकदम क्लीन रिवर चाहिए, उसके लिए बेस्ट टाइम है आई थिंक दिसंबर से मार्च के बीच. उस टाइम तुम्हें वाटरफॉल्स भी डिसेंट मिलेंगे. गर्मियों के बीच जाओगे तो आई थिंक वाटरफॉल्स भी कम, मतलब सूखे होंगे थोड़े, पर तुम्हें बारिश की टेंशन नहीं होगी उस टाइम कि यार बारिश हो रही है या क्या हो रहा है, तुम चैन से घूम पाओगे. तो हर सीजन का अपना वो है, अब तुम्हें खुद चूज़ करना है कि तुम्हें कौन सा सीज़न सूट करता है. और अगर तुम्हें हर जगह की थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या एक्सपीरियंस देखना है कि किसी का कैसा था, तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है जिन भी जगहों की बातें करी है उनके ऊपर. मेरी मेघालय की सीरीज़ देख लेना, कुछ 5-6 एपिसोड्स थे उसके, हर जगह का अपना एक एपिसोड था, वो ज़रूर देखना. उसमें देखना हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोंगथोंग का, स्नोंग पिडांग का, मोलेनोंग का, मोंगडॉक का, वो सब मैंने दिखाया. सो डू वॉच दैट सीरीज़ आउट, एंड आई होप दिस आइटनरी वीडियो हेल्प्ड यू. और तुम उससे प्लान करो, और अगर इस प्लान से जाओगे तो बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था. टिल देन ट्रैवल मोर, मीट डी पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपने गाने सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनो, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो.